ना पेरु सूर्या ना इल्लू इंडिया, मेरा नाम सूर्या है और ये भारत मेरा घर है। ये एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय डेब्यूटेंट डायरेक्टर वक्कंथम वामसी, स्टारिंग अल्लू अर्जुन और अनु इमैनुएल। ये कहानी है आर्मी ऑफिसर सूर्या की, जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब एंगर मैनेजमेंट का उसे प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने इस गुस्से का उपयोग बस अच्छी जगहों पर ही करता है। देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसा सूर्य का कैरेक्टर फिल्म में दिखाया गया है। उसकी दिल से इच्छा होती है कि वो बॉर्डर पर जाकर के देश की सेवा करे, और देश की सेवा करते हुए वो बॉर्डर पर ही अपनी जान दे। ये उसकी दिल से इच्छा होती है, लेकिन उसके इस गुस्सेल स्वभाव की वजह से, एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम की वजह से उसे आर्मी से निकाला जाता है। लेकिन उसके सामने शर्त रखी जाती है कि तुम्हें अगर वापस ज्वाइन करना है और बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करनी है, तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राजू से तुम्हें साइन लेकर के आनी होगी। अब क्या इसके बाद में सूर्या अपने इस गुस्से पर काबू कर पाता है या नहीं, या क्या वो ये साइन लेकर के आ पाता है या नहीं, ये इस पूरी फिल्म में आगे दिखाया गया है। मतलब केवल यही नहीं दिखाया, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें फिल्म में हमें आगे बताई गई है, और फिल्म का सब्जेक्ट धीरे धीरे फिल्म में चेंज होते जाता है। मतलब शुरुआत के 20-25 मिनट में हमें ऐसा लगता है कि कुछ आर्मी ऑफिसर के जीवन के ऊपर, वहाँ पर किस प्रकार से वो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, शायद इस बारे में ये फिल्म होगी। और इसीलिए फिल्म की शुरुआत में एकदम 20-25 मिनट है जो शुरुआत के फिल्म के, वो बहुत ही जोश से भरपूर है और हमारा एकदम खून नसों में दौड़ने लगता है, इस प्रकार से फिल्म की शुरुआत है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल कर साइकोलॉजी के प्रोफेसर के पास में आते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि सूर्या अपना गुस्सा किस प्रकार से काबू करता है, शायद ये इसके बाद में फिल्म में बताया जाएगा। लेकिन उसकी थोड़ी ही देर के बाद में हमें फिल्म में बताया जाता है कि हमारे जो बाहरी शत्रु है, जो हमारे देश पर बाहर से आक्रमण करते हैं, जो दूसरे देश है, उनसे भी ज़्यादा जो हमारे भीतर के शत्रु है, जो अंदर से हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, वो हमारे देश का सबसे बड़ा खतरा है, ये इस फिल्म में बाद में बताया गया है। तो इस प्रकार से फिल्म का सब्जेक्ट धीरे 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 फिल्म के एंडिंग तक चेंज होते जाता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने इतना इंटेंस कैरेक्टर निभाया है, लेकिन सूर्या के कैरेक्टर को उन्होंने पूरी तरीके से फिल्म में न्याय दिया है। एक आर्मी ऑफिसर की बॉडी जिस प्रकार से होनी चाहिए, वैसी ही वेल टोन बॉडी हमें अल्लू अर्जुन की फिल्म में दिखाई दे रही थी। जो कुछ मिलिट्री के ट्रेनिंग सिक्वेंसेस फिल्म में दिखाए हैं, जो एक्शन सिक्वेंसेस है फिल्म में, उन सभी में उनकी मेहनत हमें साफ तौर पर नज़र आ रही थी। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई बॉडी डबल यहाँ पर यूज़ किया गया है। सच में उन्होंने इस रोल के लिए बहुत ही मेहनत ली है। अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट किए गए हैं। मतलब हमें लगता है कि हाँ, हमने आज कुछ अलग देखा। खास करके फिल्म की शुरुआत में जो पुलिस स्टेशन में जो फाइट सीक्वेंस है, वो मुझे ज़रा हटके और बढ़िया लगा, और जितना हो सके फाइट सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा सूर्य के कैरेक्टर में इस पूरी फिल्म के दौरान जो चेंज होते जाता है ना, वो पार्ट भी डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। मतलब फिल्म की शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि यार, सूर्य को एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम उसके अंदर है ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन इस पूरी फिल्म के दौरान जैसे जैसे उसमें बदलाव आते जाता है, वैसे वैसे ये फिल्म हमें सोचने को मजबूर करती है कि यार, प्रॉब्लम उसके अंदर है या प्रॉब्लम हमारे अंदर है। क्योंकि जब सूर्या तय करता है कि यार, मुझे अब किसी से झगड़ा नहीं करना है, मुझे अब गुस्सा नहीं करना है, तो वो अपने इर्द गिर्द जितनी भी गलत बातें होती है उनको इग्नोर करने लगता है। और जब वो ऐसा करता है, तब लिटरली हम अंदर से सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यार, प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, कि ये सब बातें देखकर भी हमें गुस्सा नहीं आता है। इसके अलावा फिल्म के सेकंड हाफ में एक मुस्लिम परिवार को दिखाकर हमें एक मैसेज देने की कोशिश की है। वो पार्ट भी मुझे पसंद आया, हालांकि उसको और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था। लेकिन इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बातें होते हुए भी इस फिल्म में हमें कुछ कमी महसूस होती है। एकदम ही परफेक्ट हमें ये फिल्म नहीं लगती है, क्योंकि फिल्म के जो शुरुआत के 20-25 मिनट है, वहाँ पर ये फिल्म हमारे अंदर एकदम से जोश भर देती है, देशभक्ति की भावना भर देती है, और हम बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस पूरी फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब सूर्या साइकोलॉजी के प्रोफेसर के पास जाता है, वहाँ से लेकर के फिल्म के इंटरवल तक फिल्म मुझे बहुत स्लो लगी। लगभग 30-40% फिल्म को ट्रिम किया जा सकता था वहाँ पर, तो फिल्म की लेंथ भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई। उसके बाद में कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना बढ़िया तरीके से नहीं किया है। मतलब सूर्या के जो फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई है, जो उसकी लव स्टोरी दिखाई है, उसको
और बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता था। उन कैरेक्टर्स को उतना बढ़िया तरीके से फिल्म में डेवलप नहीं होने दिया है, उतना हम उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। जो फिल्म की एक्ट्रेस है अनु, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक लगा, लेकिन हालांकि वो और बढ़िया तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकती थी। इसके अलावा साइकोलॉजी के प्रोफेसर का जिन्होंने रोल निभाया है, उनको मैंने पहली बार देखा, शायद किसी फिल्म में देखा भी होगा, तो मुझे यहाँ पर वो पहचानने में नहीं आए। उनकी एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन उनके बीच में और सूर्या के बीच में जो एक इमोशंस डेवलप करने चाहिए थे इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, उतना बढ़िया तरीके से डायरेक्टर फिल्म में नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा ओ सैनिका और लवर अल्सो फाइटर अल्सो, ये दो सॉन्ग्स भी मुझे काफ़ी पसंद आए। हालांकि लवर अल्सो ये जो सॉन्ग है उसकी फिल्म में उस जगह पर ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उसको काफ़ी अच्छी तरीके से शूट किया गया है। और अल्लू अर्जुन का डांस भी मुझे उस सॉन्ग में बहुत पसंद आया। तो अगर आप एक्शन मूवीज और अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये फिल्म और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।